नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यूनियन के कर्मचारियों ने समाप्त की भूख हड़ताल। 72 घंटों तक भूखे रहे कर्मचारी। रेल कर्मचारियों की लंबित मांगों पर सरकार के उदासीन रवैये के खिलाफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यूनियन के कर्मचारियों की 3 दिवसीय भूख हड़ताल को आज जूस पीकर समाप्त किया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार की कई ऐसी योजना है जो कि कर्मचारियों के हित में नहीं है, जैसे कि रेल कर्मचारियों पर लागू न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त कर गारंटेड पेंशन योजना को लागू करना, न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फार्मूले जैसे कई ऐसे मुद्दे जिससे कर्मचारी में रोष व्याप्त है। कर्मचारी ने कहा कि हमारे इस प्रदर्शन से सरकार को चेतना चाहिए। ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के आह्वान पर पूरे भारत वर्ष में रेलवे के ऊपर 3 दिन का क्रमिक अनशन जो 8 मई से हमने स्टार्ट किया था और आज उसको 72 घंटे बाद समाप्त करने की घोषणा मैं यहाँ करने आया हूँ। और साथ ही साथ जो रेलवे में नई पेंशन स्कीम के बढ़ते हुए साथियों की संख्या को देखते हुए और जो उनका उत्साह और जोश था 3 दिन तक लगातार भूखे रह करके अपनी मांगों के लिए सरकार को सद्बुद्धि दे भगवान, ये यज्ञ हमने यहाँ पर करने का काम किया है। और हम समझते हैं कि अब कम से कम इस सरकार को समझ में ज़रूर आ जाना चाहिए, क्योंकि 8 मई एक ऐसा दिन था जो 44 वर्ष बाद फिर से दोहराया गया इस इतिहास के अंदर। 1974 में 8 मई को पूरे भारत के अंदर रेलों पर हड़ताल होने का काम हुआ था, रेल का चक्का जाम होने का काम हुआ था और फिर एक बहुत बड़ी मांग जो बोनस की मांग थी वो पूरी होने का काम हुआ उस हड़ताल के बाद। तो हम ये समझते हैं इस 8 मई का पवित्र दिन, जिस दिन से हमने ये अनशन शुरू किया है, ऐतिहासिक दिन बनने का काम हो जाएगा। तो जो लोग यहाँ पर आज धरने को समाप्त कर रहे हैं, मैं उनको सबको अग्रिम रूप से ये शुभकामना देता हूँ और हम ये विश्वास भी दिलाना चाहते हैं कि जो नई पेंशन स्कीम की मांग उनकी है वो जरूर इस वर्ष हम पूरी करेंगे और जीत के साथ में फिर से एक बार जश्न मनाने का काम करेंगे। और उन साथियों को मैं जो आज अनशन करके समाप्त कर रहे हैं अपना अनशन, उनको बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करके मैं इस अनशन की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। भूपेंद्र भटनागर, जोनल अध्यक्ष, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉई।